हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, देश में चल रहे हालात के चलते सीबीएसई की कई परीक्षाएं बची हुई थी। इन सब के चलते सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसमें निर्णय लिया है कि सीबीएसई की क्लास 9th और 11th के एग्जाम नहीं होंगी, उनको उनके मूल्यांकन के आधार पर ही नेक्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। 10th और 12th के केवल 29 मेन सब्जेक्ट की ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए ज़रूरी होती हैं। ये जो आप सीबीएसई का 1 अप्रैल 2020 का प्रेस रिलीज देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि जो स्टूडेंट 1 से 8th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन दे दिया जाएगा। 2 नंबर पॉइंट पर लिखा है कि जो स्टूडेंट क्लास 9th और 11th में हैं, उनको भी स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क, पीरियोडिक टेस्ट, टर्म्स एग्जाम इत्यादि शामिल हैं, उनके आधार पर नेक्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ये इंटरनल प्रोसेस क्लियर नहीं कर पाया है, तो स्कूल उनको स्कूल बेस्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट में अपेयर होने का अवसर दें। इसमें आगे 3 नंबर पॉइंट पर लिखा है कि क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के शेड्यूल के बारे में लिखा है। इसमें 3 नंबर पॉइंट पर इसमें आगे लिखा है कि अब इस स्तर पर बोर्ड के लिए परीक्षाओं का न्यू शेड्यूल तय करना और उनका अनाउंसमेंट करना मुश्किल है। बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करवाने के संबंध में कोई भी निर्णय उच्च शिक्षा अधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श करके और प्रवेश परीक्षा, एग्जाम डेट आदि के संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इसमें आगे लिखा है कि महामारी की स्थिति के कारण बोर्ड 8 दिन में एग्जाम कंडक्ट करवाने में सक्षम नहीं था। इस कारण वर्तमान स्थिति में बोर्ड ने कुछ इस तरीके से निर्णय लिए हैं। इसमें 1 नंबर पॉइंट पर लिखा है कि बोर्ड केवल मेन सब्जेक्ट की एग्जाम कंडक्ट करवाएगा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आवश्यक हों। 2 नंबर पॉइंट पर लिखा है कि बाकी सब्जेक्ट के लिए एग्जाम नहीं होंगे। ऐसी सभी मामलों में मार्क्स और असेसमेंट निर्देश बोर्ड अलग से जारी करेगा। 3 नंबर पॉइंट पर इसमें लिखा है कि इसलिए जब स्थितियां परीक्षा आयोजित करने के अनुकूल होंगी, तो केवल 29 सब्जेक्ट के लिए ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो देखते हैं ये कौन से 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो हम बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th में नॉर्मल स्टूडेंट के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, और इसमें 6 सब्जेक्ट उन स्टूडेंट के लिए हैं जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं, उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया था पहले। तो इसमें 6 सब्जेक्ट में हिंदी कोर्स है, हिंदी कोर्स भी, इंग्लिश कॉमन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर है इसमें। इसके बाद में 5वें नंबर पर साइंस है और 6ठे नंबर पर सोशल साइंस है। तो इस प्रकार से ये 6 सब्जेक्ट हैं उन स्टूडेंट के लिए क्लास 10th के जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं। इसके बाद क्लास 12th की बात करें हम, तो क्लास 12th में नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 12 सब्जेक्ट हैं। ये 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, ज्योग्राफी, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ओल्ड, कंप्यूटर साइंस न्यू, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ओल्ड, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस न्यू, इसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 12वां सब्जेक्ट है इसमें बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 12 सब्जेक्ट क्लास 12th के लिए नॉर्मल स्टूडेंट के लिए हैं, यानी कि इंडिया के सभी स्टूडेंट के लिए हैं। और इसमें जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये 11 सब्जेक्ट हैं। 11 सब्जेक्ट में ये इंग्लिश इलेक्टिव सी, इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, और इसके बाद में फिजिक्स, अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री, टोटल 11 सब्जेक्ट है। इस प्रकार से टोटल मिला के ये 12th और 10th के टोटल 29 मेन सब्जेक्ट की ही एग्जाम कंडक्ट होनी है। इसमें फॉरेन कंट्रीज में जो स्कूल हैं सीबीएसई के, उनके लिए लिखा है कि अभी इस स्थिति में 10th और 12th के एग्जाम कंडक्ट करवा पाना मुश्किल है। इसके लिए अलग से स्कूल को बोर्ड इंस्ट्रक्शन जारी कर देगा इसमें। तो दोस्तों, ये वीडियो के अंत में सारांश यही निकलता है कि सीबीएसई द्वारा 9th और 11th के एग्जाम नहीं होंगे, उनके इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। क्लास 10th और 12th के सिर्फ 29 मेन सब्जेक्ट के ही एग्जाम होंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। जैसे ही कोई इसके बारे में और कोई अपडेट मिलेगी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।